हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 का मैथ्स। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हमारा क्वेश्चन ये है। अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि इसमें जो है थ्री डिजिट नंबर्स हैं कितने टोटल। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, 100 से शुरू हो के 999 तक ये सारे थ्री डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल होते हैं, तो हमें वो लिस्ट चाहिए जो डिविजिबल नंबर्स की हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग वाला यानी फर्स्ट टर्म हमारी चाहिए जहाँ से हमें शुरू करना है, और वो डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 7 3 बचेगा, 0 नीचे उतारेंगे तो 30 आया, तो 7 4 28 होता है। ठीक है, क्या होता है, 7 4 28, लेकिन 28 में यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 इसका मतलब क्या है, या तो हम 100 से 2 माइनस कर दें, तो वो तो थ्री टर्म थ्री डिजिट नंबर रहेगा नहीं फिर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमें ये पता चले कि कमी कितनी है। अब देखिए, 35 से 30 मतलब हमें क्या चाहिए, हमें 5 नंबर और चाहिए, यानी 100 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, 105 आ जाएगा, और जब हम 105 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 7 1 7, 3 बचा तो 5 उतारा 35, तो ये 15 से पूरा डिवाइड हो जाता है। देखिए आप, ठीक है, तो ये 15 आता है क्वेश्चन, तो ये 7 15 105 आता है, तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है, 105। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, तो लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर अब इसको ये साइड में जो हमने किया है इसको इरेज करना पड़ेगा, तो गिव मी सम टाइम, लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, तो द फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 105, जैसा हमने पहले निकाला था। तो ये 105 जो है हमारा फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर इसी से बन जाएंगे, एंड नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 105 प्लस 7 इज इक्वल टू 112, एंड नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 112 प्लस 7 इज इक्वल टू 119, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट। ऐसे ऐसे करके हमारी जो है सीक्वेंस पूरी हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ गई है 105, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड ये है, तो इसको करते हैं, देयरफॉर 105 112 119 इट कंटिन्यूज लाइक दिस, ऑलराइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, लेकिन ये जाएगी कहाँ तक, ये ऑफ कोर्स ये थ्री डिजिट नंबर्स हैं, तो ये 999 से पहले पहले ये ख़त्म हो जाएगी। अब हमारा एक 999 वाला भी इशू था कि जो 999 है ये 7 से डिवाइड होता है, अगर नहीं होता है तो कितना मतलब हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। हम इसमें ऐड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऐड करने से 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, हमें 3 डिजिट के अंदर ही रहना है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 7 1 7 2 बचा, ठीक है,
अब 9 को उतारेंगे, 7 4 28, 1 बचता है, ये आता है 19। अब 19 से हम ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, 19 से हमें कम ही लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 19 अच्छे से लिख लेते हैं, तो 7 2 14, राइट, हम ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 19 में से 14 जाते हैं, 5 रिमाइंडर यहाँ पर बचता है। इसका मतलब क्या है कि 999 में से 5 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ करते हैं 999-5 इज इक्वल टू 994। तो ये आ गया हमारे पास लास्ट टर्म, राइट। तो हम यहाँ पर एपी जो है हमारी वो हम पूरी कर लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस हमारा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 994 तक, यहाँ पर। नाउ दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ सीक्वेंस formed is 105 112 119 then 994, right? ये हमारे पास sequence जो है form हो गया है। Now ये हमने क्या करना है, कितने 3-digit number निकालने हैं, तो कितने के लिए हम सिर्फ इसकी इसकी जो number of term है वो निकाल लेंगे और हमारा जो question है वो solve हो जाएगा। तो अब इसको हम n terms मान लेते हैं, ठीक है। Let 994 be the nth term of this AP, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, तो इसके बाद हम करेंगे क्या, वेरी इजी, एंड A1 इज इक्वल टू 105, राइट। अब डिफरेंस कितना आया हमारे पास, डिफरेंस 7 आया, क्योंकि 7 7 ही हमने ऐड करके इसको एपी को बनाया है, तो डिफरेंस 7 ही आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता, वी नीड टू फाइंड दिस, ठीक है, और an हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, अब इसी को यूज करेंगे, तो ए एन कितना है हमारे पास, 994 है, ठीक है, और ए वन 105 है, प्लस एन हमें नहीं पता, तो ये हम ऐसे ही ले लेंगे, और डिफरेंस जो है 7 है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 105 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 994-105 इज इक्वल टू एन माइनस 17, ठीक है। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस होके क्या बनेगा, 889 इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है, ये हो गया एन माइनस 1। अब देखिए इन दोनों का आपस का रिलेशन क्या है, एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 7, ठीक है, और अगर हमने नंबर सारे कांस्टेंट जितने भी हैं हम लेफ्ट साइड में यानी नंबर्स वाली साइड में लेके जाते हैं, तो ये उधर जाके क्या करेगा, ये उधर जाके डिवाइड करेगा ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो जो 7 है वो डिवाइड करेगा, तो आइए इसे पहले डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 1 बचा 18 हो गया, तो 7 2 14, 4 बचा 49 हो गया, तो ये आ जाएगा 127, ठीक है। अब हमारा क्या है, 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और n माइनस 1 इक्वल टू 127, ठीक है। अब जो माइनस 1 है ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 127, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस 1 से प्लस 1 में हो जाएगा, तो इट विल बी यू नो 128, क्या आ जाएगा ये 128, यानी ये जो वैल्यू है ये 128 टर्म की है, राइट, और मैक्सिमम इतने ही नंबर्स हैं, हमने ये फाइंड किया है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देयरफोर देयर आर या फिर 128 3 डिजिट नंबर्स
डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये आर है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। देयर फॉर 128 थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये हमारा कंक्लूजन है। तो यहां पर ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता, ही और शी कैन कमेंट मी द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।